बजाज चेतक और टीवीएस आईक्यूब इलेक्ट्रिक स्कूटर की छुट्टी करने लॉन्च हो रहा है होंडा का नया इलेक्ट्रिक स्कूटर। जी हां मेरे भाई, होंडा इंडिया आने वाले बेहद ही कम समय में भारतीय बाजार में अपने नए इलेक्ट्रिक स्कूटर यूगो को लॉन्च करने वाली है। होंडा यूगो इलेक्ट्रिक स्कूटर कम कीमत के साथ तगड़े फीचर्स और जबरदस्त लुक्स के साथ आने वाला है। आगामी दिनों में कंपनी ने यूगो इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए पेटेंट को भारत में रजिस्टर करवाया है। होंडा यूगो भारत का पहला किफायती इलेक्ट्रिक स्कूटर होने वाला है। अगर आप भी होंडा यूगो इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एनजे हिंदी को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको रोजाना नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बैटरी रेंज की बात करें तो अपकमिंग होंडा यूगो इलेक्ट्रिक स्कूटर को कंपनी ने दो वेरियंट में लॉन्च किया है, जिसमें टॉप वेरियंट और स्टैंडर्ड वेरियंट शामिल है। दोनों ही वेरियंट में 1.44 किलो आवर्स की क्षमता वाली 48 वोल्ट और 30 आवर्स की रिमूवेबल लिथियम आयन बैटरी दी है। 2024 होंडा यूगो इलेक्ट्रिक स्कूटर के टॉप वेरिएंट में 1.6 bhp की मोटर दी गई है, जो कि 1.8 किलोवाट का मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करती है। इस मोटर के साथ इलेक्ट्रिक स्कूटर की टॉप स्पीड 53 किलोमीटर प्रति घंटा है। साथ ही इसके स्टैंडर्ड वेरिएंट में 1 bhp की इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है, जिसकी टॉप स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। 2024 होंडा यूगो के दोनों वेरिएंट हब माउंटेड मोटर के साथ आते हैं। अपकमिंग 2023 मॉडल होंडा यूगो इलेक्ट्रिक स्कूटर की ड्राइविंग रेंज की बात करें तो इसे सिंगल चार्ज करने पर यह स्कूटर 65 किलोमीटर की रेंज देगा। वहीं दोनों मॉडल से मिलने वाले बैटरी पैक को स्कूटर से निकाला जा सकता है, जिसकी वजह से ग्राहक बैटरी को घर ले जा सकते हैं और इसे आराम से चार्ज कर सकते हैं। दोनों बैटरी पैक रखने से स्कूटर की रेंज 130 किलोमीटर तक बढ़ जाती है। अपकमिंग 2024 मॉडल होंडा यूगो इलेक्ट्रिक स्कूटर में मिलने वाले फीचर्स लिस्ट की बात करें तो इसमें कंपनी बहुत सारे नए फीचर्स जोड़ने वाली है, यानी नए फीचर्स इसमें ढेरों मिलने वाले हैं। फीचर्स के बारे में हम डिटेल्स में अगले वीडियो में बताएंगे। अब बात कर लेते हैं कि होंडा का ये स्कूटर कब लॉन्च होगा। कीमत की बात करें तो अपकमिंग होंडा यूगो इलेक्ट्रिक स्कूटर को कंपनी 57,799 रुपए की शुरुआती कीमत के साथ लॉन्च करने वाली है। वहीं इस इलेक्ट्रिक स्कूटर पर सरकार द्वारा मिलने वाली सब्सिडी का फायदा मिलेगा, तब ये स्कूटर और भी अच्छा होने वाला है। लॉन्चिंग की बात करें तो अपकमिंग होंडा यूगो इलेक्ट्रिक स्कूटर को कंपनी कब लॉन्च करेगी, इसके बारे में कंपनी द्वारा कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। तब भी बता दें, कंपनी इस स्कूटर को आने वाले बेहद ही कम समय में लॉन्च करने वाली है। अब आपका क्या प्लान है मेरे भाई? क्या आप भी लॉन्च होते ही होंडा यूगो इलेक्ट्रिक स्कूटर को खरीदना चाहेंगे या नहीं, हमें आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।